दोस्तों आज हम ब्राउनियन मूवमेंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके आईएमडीबी रेटिंग है 4.1 आउट ऑफ 10। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी लेडीज डॉक्टर की जो कि अपनी खुशी के लिए अपने ही हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ अपनी हवस बुझाती थी। दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें एंड में एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो भाई लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और हाँ ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? नहीं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ साइड में बने बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक यंग लेडीज डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम चार्लेट होता है, जो कि किराए पर एक रूम देखने आई थी। रूम पसंद आने के बाद चार्लेट मकान मालिक को पैसे देती है। इसके बाद चार्लेट फ्रेश होकर अपने बेटे को लेने उसके स्कूल चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्लेट अपने बेटे को कहानी सुना रही है। उसके बेटे का नाम बेंजामिन होता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि चार्लेट अपने हस्बैंड मैक्स के साथ कुछ बात कर रही है। चार्लेट अपने हस्बैंड मैक्स से कहती है कि मुझे इस मंथ की 23 तारीख को WPFT पे जाना है, तो क्या उस दिन तुम बेंजामिन को लेने उसके स्कूल जाओगे? तो मैक्स कहता है ओके मैं चला जाऊंगा। इसके बाद वह दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चार्लेट हॉस्पिटल में कुछ काम कर रही है। असल में चार्लेट एक डॉक्टर थी। चार्लेट वर्क कर ही रही थी तभी उसका कंपाउंडर आता है। वह कहता है कि एक पेशेंट इंतजार कर रहा है। तो चार्लेट उसे कहती है कि ठीक है मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जब वह अपने पेशेंट को देखने उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि वह उसके ही साथ सेक्स करने लगती है। इसके बाद वह फ्रेश होकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्लेट स्कूल के बच्चों के सामने लेक्चर दे रही है। इसके बाद अगले दिन चार्लेट एक और पेशेंट का इलाज करते दिखाई जाती है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि चार्लेट उसी पेशेंट के साथ सेक्स करने लगती है। इसके बाद चार्लेट फिर एक नए पेशेंट के साथ सेक्स करते दिखाई जाती है। चार्लेट एक सेक्स एडिक्ट थी। असल में वह ये सब अपनी हवस बुझाने के लिए करती थी। और साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि चार्लेट ने जो मूवी के शुरू में कमरा लिया था वो असल में इसी काम के लिए होता है। और चार्लेट इतनी ज्यादा शातिर सेक्स एडिक्ट थी कि वह हर रोज अपने हस्बैंड के भी साथ सेक्स किया करती थी ताकि उसे चार्लेट पर शक ना हो। इसके बाद अगले सीन में हम चार्लेट को अपने हस्बैंड और अपने बेटे बेंजामिन के साथ खेलते हुए देखते हैं और फिर शाम को हम देखते हैं कि मैक्स और चार्लेट दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि चार्लेट एक नए पेशेंट के साथ सेक्स कर रही है। दरअसल चार्लेट इतनी छिनाल टाइप की घटिया औरत थी कि हर रोज उसे सेक्स करने के लिए एक नया बंदा चाहिए था। इसके बाद अगले ही सीन में हम चार्लेट को भागते हुए देखते हैं। दरअसल चार्लेट अपने बच्चे के स्कूल की टीचर से मिलने जाती है लेकिन मैक्स वहां पर उससे पहले ही पहुंच चुका था। इसके बाद अगले दिन जब चार्लेट किचन में काम कर रही थी तभी मैक्स आकर उससे पूछता है क्या तुम आ रही हो? तो चार्लेट कहती है हाँ मैं आऊंगी। दरअसल मैक्स एक आर्किटेक्ट होता है और वो चार्लेट को अपना काम दिखाने के लिए बुला रहा था। जिसके बाद चार्लेट मैक्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। चार्लेट जब बिल्डिंग के अंदर जाती है तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उसी बिल्डिंग में काम कर रहा था। दरअसल ये आदमी उन्हीं पेशेंट में से एक था जिनका ट्रीटमेंट करने के बाद चार्लेट ने उनके साथ सेक्स किया था। चार्लेट को देखते ही वह आदमी चार्लेट से कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती और चार्लेट के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगता है। जिसके बाद चार्लेट उसके मुंह पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से उसके मुंह में चोट लग जाती है और फिर उसे दया आ जाती है। जिसके बाद वह फिर से उसके पास जाती है तभी अचानक फिर से उसके मुंह में अटैक कर देती है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर चार्लेट भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसका हस्बैंड मैक्स उसके पास बैठा होता है। इसी के बाद कहानी का पार्ट टू शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि चार्लेट एक लेडी से बात कर रही है। इसके बाद वह लेडी चार्लेट को गेट तक छोड़ने जाती है तभी चार्लेट उस लेडी से कहती है कि ये पल बहुत ही मुश्किल है उसके लिए और शायद मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अब वह मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इसके बाद अगले दिन चार्लेट फिर से
उस लेडी के घर पर उसके साथ दिखाई जाती है। वह लेडी चार्लेट से कहती है कि कैसी चल रही है तुम्हारी नई दवाई। तो चार्लेट उसे बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रही हूँ या मुझे कैसा फील करना चाहिए। इसके बाद वह लेडी कहती है क्या हम शुरू करें। चार्लेट कहती है हाँ। दरअसल वो लेडी एक साइकेट्रिस्ट होती है और पार्ट वन में उस हादसे के बाद चार्लेट के हस्बैंड मैक्स को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था, जिस वजह से चार्लेट अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्लेट और मैक्स दोनों उसी साइकेट्रिस्ट के पास बैठे हैं। तभी वो साइकेट्रिस्ट चार्लेट से कहती क्या है? तुम अपने उन पेशेंट और मैक्स के बीच का डिफरेंट बता सकती हो। तो चार्लेट कहती है मैक्स एक अच्छा आदमी है और उसे छूना मुझे अच्छा लगता है। तो मैक्स कहता है तो फिर तुमने वो रूम रेंट पर क्यों लिया। जिसके बाद चार्लेट उसका कोई रिप्लाई नहीं देती है। इसके बाद अगले दिन चार्लेट और मैक्स दोनों उसी साइकेट्रिस्ट के पास बैठे होते हैं। चार्लेट कहती है कि जब मुझे होश आया तो मेरे पेट पर किसी का हाथ था, तभी मुझे फील हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। वह दिखने में बहुत ही अजीब था और बहुत ही बड़ा। तभी वो साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है क्या तुमने उसका चेहरा देखा। तो चार्लेट कहती है नहीं मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैं बस उसके हाथों के बाल देख रही थी। इसके बाद वो साइकेट्रिस्ट लेडी चार्लेट से पूछती है कि तुमने ऐसे ही लोगों को सेक्स के लिए क्यों चुना जो कि थोड़ा सा अजीब थे, जैसे कि किसी के बाल बड़े थे तो किसी के नाखून और किसी की तो अजीब सी नाक। तो चार्लेट कहती है कि मुझे शायद इन सब का जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि ये शायद हम दोनों के लिए बेहतर होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं चार्लेट को कोर्ट में, जहां पर चार्लेट के मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण उसकी डॉक्टर की जॉब छीन ली जाती है। एक दिन जब मैक्स और चार्लेट कमरे में बैठे होते हैं तभी मैक्स उसकी गलतियों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन फिर वह उसकी बीमारी को देखते हुए उसे माफ कर देता है। इसके बाद पार्ट थ्री शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि चार्लेट और मैक्स दोनों इंडिया आ चुके हैं और अब उस बात को बीते हुए 2 साल हो चुके हैं और अब चार्लेट और मैक्स के 2 ट्विंस बच्चे भी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्लेट मैक्स के नए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहां पर वह एक इंजीनियर से बात करने लगती है। उसे बात करते देख मैक्स उसकी तरफ घूरने लगता है और सोच में पड़ जाता है। इसके बाद अगले दिन जब चार्लेट मैक्स की नई कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है तो गार्ड उसे कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। तो चार्लेट उससे पूछती है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद चार्लेट उस बिल्डिंग के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स जब घर आता है तो चार्लेट को घर पर ना पाकर घर की नौकरानी से पूछता है, तो वह नौकरानी उसे बताती है कि चार्लेट मैडम बाहर गई हैं। तो मैक्स पूछता है क्या वो रोज बाहर जाती है। तो नौकरानी कहती है हाँ। इसके बाद रात में जब मैक्स चार्लेट के साथ सेक्स कर रहा होता है तो चार्लेट की आंखें बंद होती है, तभी मैक्स कहता है कि मेरी तरफ देखो। इसके बाद गुस्से से उठकर वहां से चला जाता है। दरअसल मैक्स को लगता था कि चार्लेट ने अभी भी अपनी पुरानी हरकतों को नहीं छोड़ा है। इसके बाद अगले दिन चार्लेट जब घर से निकलती है तो मैक्स उसका पीछा करता है और चार्लेट जब उस साइड पर जाती है तो मैक्स भी पीछे पीछे जाता है। ऊपर जाकर देखता है मैक्स एक कोने में बैठी है। उसे देखकर मैक्स अपने किए गए शक पर पछताने लगता है। इसके बाद वे दोनों एक टूर पर जाते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। पर दोस्तों मुझे भी यहाँ पर समझ नहीं आया कि जब उसका किसी से कोई चक्कर नहीं था तो फिर वह सुनसान बिल्डिंग में अकेली क्या करने जाती थी। दोस्तों क्या आपको इसके बारे में पता है, क्या आपको कुछ समझ आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।